नमस्ते, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में मैं बनाने जा रही हूँ सूखी भाजी, या फिर इसे आप कह सकते हैं व्रत में खाने वाले आलू की सब्जी। ये डिश बेसिकली गुजरात में बनाया जाता है उपवास के टाइम पे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद है इसे लाइक करना, और अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में शेयर करके हमें ज़रूर बताइए। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए पटेटोस, या फिर इसे आप आलू भी कह सकते हैं, और यहाँ पे हमने क्रश किया हुआ जिंजर ले लिया है, और चॉप्ड कैप्सिकम, कटे हुए कोरिएंडर लीव्स, लेमन का जूस, पोमोग्रेनेट, ग्रीन चिली को क्रश कर लिया है, और करी पत्ते, और पीनट को हमने यहाँ पे क्रश कर लिया है, और चीनी, और जीरा सीड्स। सबसे पहले हमें आलू को धो लेना है। आलू को धोने के बाद इसे हमें चार हिस्सों में कट कर लेना है। मैंने यहाँ पे मेरे सारे आलू को कट कर लिया है। इसे हमें बॉईल करने देंगे। आलू को हमें पका लेना है, पहले बॉईल कर लेना है इसे। मैंने यहाँ पे कुकर का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो कोई और वेसल का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अप्रॉक्स 1 kg जितना आलू लिया है, और अप्रॉक्स 1 लीटर पानी डाल के इसे मैं बॉईल कर लूँगी। यहाँ पे आलू पक चुके हैं। सबसे पहले मैं इसे स्ट्रेन कर लूँगी। आलू को स्ट्रेन करने के बाद इसे पील आउट कर देंगे हम, इसके छिलके अच्छे से निकाल लेंगे। एक एक करके सारे आलू के छिलके निकालने हैं। यहाँ पे सारे आलू के छिलके मैंने निकाल लिए हैं। इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। आलू को बहुत ज़्यादा भी बॉईल मत कर लेना, और इसके पीसेस मीडियम साइज़ रखना, एकदम छोटे छोटे पीसेस हमें नहीं करने हैं। यहाँ पे सारे आलू कट हो चुके हैं। एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में हम ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। हमें ऑयल को गर्म होने देना है। ऑयल गर्म हो जाए इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जीरा सीड्स। जब जीरा क्रैकलिंग साउंड प्रोड्यूस करने लगे तब हम इसमें ऐड कर देंगे जिंजर यानी अदरक। फिर हम इसमें डाल देंगे करी पत्ते। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च क्रश किया हुआ। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम यहाँ पे पीनट्स को यानी सिंग दाना को अच्छे से 2 से 3 मिनट तक हम इसे रोस्ट होने देंगे, थोड़ी देर भुनने देंगे। इस सिंग दाना डालने से इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा, बट अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी इसे आप ऐड करिए। अगर आपको ज़्यादा पसंद हो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, कम पसंद हो तो कम भी ऐड कर सकते हैं, इसकी कोई बेसिकली क्वान्टिटी नहीं है। इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से रोस्ट होने देंगे। गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है। इसे चलाते रहना है कॉन्स्टेंटली। फिर हम इसमें उपास का नमक डाल देंगे। इसमें नॉर्मली नमक यूज़ नहीं करते, जो उपास का डिफरेंट नमक आता है वो हमने यूज़ किया है, क्योंकि हम ये उपास के लिए बना रहे, इसके लिए हमने उपास का नमक इसमें ऐड किया है। फिर 2 चम्मच चीनी ऐड कर देंगे। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद तो आप इसमें ज़्यादा चीनी भी ऐड कर सकते हैं। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे नींबू का रस और कैप्सिकम्स, चॉप किए हुए कैप्सिकम इसमें डाल देंगे, और इन सबको अच्छे से 2 से 3 मिनट थोड़ा पकने देंगे, जब तक कैप्सिकम्स थोड़े सॉफ्ट ना हो जाए।
यहाँ पे कैप्सिकम पक चुके हैं, इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चॉप किए हुए आलू। सो आलू डाल के इसे हमें अच्छे से मिक्स करते रहना है। गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है, तो इसे धीरे धीरे करके अच्छे से मिक्स करते रहिए। ये रेसिपी ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और इजीली बन भी जाता है, और ये रेसिपी खाने में टेस्टी भी लगता है। सो अगर आप कोई उपास में हैं या फिर कोई व्रत चल रहा हो आपका, तो आप ये रेसिपी बहुत ही इजीली बना के खा सकते हैं। अगर आप उपास के टाइम में अनाज खाना प्रेफर नहीं कर रहे तो आप सिंग दाना को स्किप भी कर सकते हैं, बिना सिंग दाना के भी आप बनाएंगे तो ये अच्छा ही लगता है। और ये वेफर या उन सब की तरह ज़्यादा ऑयली भी नहीं है और ये खाने में अच्छा भी लगता है। सब ये तैयार हो चुका है बनके। ऊपर से थोड़ा कोरिएंडर लीव स्प्रिंकल कर देंगे और थोड़े से पोमेग्रेनेट की सीड्स, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। सो इसे गर्मा गर्म सर्व कर दीजिए। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को और वीडियो को लाइक करना, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से रेसिपी के ऊपर चाहिए। थैंक यू।